हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं शिक्षा विभाग की आज की अपडेट के बारे में, साथ ही जॉब के करने अपडेट देखने को मिल जाएंगे। पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगा विभाग। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पदोन्नति को लेकर विभाग जो है अब दाखिल करने वाले हाईकोर्ट में याचिका। शासन ने जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर शिक्षा निदेशक को किया अधिकृत, और 400 शिक्षकों के अंतरमंडली तबादलों की तैयारी यहाँ पर भेजा प्रस्ताव। तो 400 शिक्षकों के तबादले होने हैं अंतरमंडली, इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है। 200 शिक्षक गढ़वाल से और 200 कुमाऊं से यहाँ पर बताए गए हैं। और ऐसे में यहाँ पर शिक्षक संघ के हाईकोर्ट में जो है पैरवी के लिए शिक्षकों को किया नामित। तो यहाँ पर हाईकोर्ट पैरवी को लेकर शिक्षकों की नामित करा गया है, और 2250 LT शिक्षकों के प्रमोशन होने हैं। इनमें यहाँ पर जो है अभी तक नहीं होने के खिलाफ जो है यहाँ पर अब विभाग कोर्ट में दाखिल करने वाले हैं याचिका। बैठक में जो है आश्वासन मिला पर नहीं माने नाराज शिक्षक। तो यहाँ पर देखते हैं कि लंबित मांगों को लेकर जो है आंदोलनरत शिक्षकों की जो है सोमवार को विभागीय अधिकारियों के साथ यहाँ पर शिक्षा निदेशालय में 1.25 घंटे चली बैठक, और कुछ मांगों पर जो है सहमति बनी। और शिक्षा महानिदेशक बंसी तिवारी ने बताया कि बैठक सकारात्मक रही है, और लेकिन शिक्षकों का जो है यहाँ पर स्पष्ट कहना है कि आदेश जारी होने के बाद ही यहाँ पर जो है संगठन की ओर से कोई निर्णय लिया जाएगा, और इन मांगों को लेकर जो है निर्णय हुआ है जिसमें यहाँ पर देख नहीं हुआ है। इनमें देख सकते हैं जिसमें प्रधानाचार्य के 100% पदोन्नति को पदोन्नति से भरने को लेकर, साथ में अटल उत्कृष्ट जो स्कूल हैं CBC सभ्यता समाप्त करने को लेकर, हाई स्कूल बोर्ड में शामिल करने को लेकर, और उत्तराखंड के यहाँ पर राजकीय विद्यालय में गैर सरकारी संगठनों का हस्तक्षेप बंद करने को लेकर, और सभी शिक्षकों को जो है मिले पुरानी पेंशन योजना इसका लाभ को लेकर, यात्रा अवकाश बहाल करने को लेकर, और तदर्थ शिक्षकों को 10 साल की जो है संतोषजनक सेवा पर मिले चयन विद्यमान ये वही सरकार ये नहीं माने गए। इन मांगों को मांग नहीं कर मांगा गया अभी तक का। बात करते हैं शिक्षकों के परिवार को बीमा कंपनी दे 88 लाख रुपया। तो जिला जज पौड़ी की अदालत ने सुनवाई फैसला और कहा है कि टेका के समीप यहाँ पर सड़क हादसे में शिक्षक की मौत होने पर जो है बीमा कंपनी को प्रतिकर के रूप में यहाँ पर जो है परिजनों को 88 लाख रुपए की धनराशि अदा करनी होगी बताया गया है। बात करते हैं यहाँ पर प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने दिया त्याग पत्र। तो यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर जो है यहाँ पर छोड़ी जिम्मेदारी, और नारायणगढ़ ब्लॉक के यहाँ पर 28 विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने यहाँ पर जो है राजकीय शिक्षक संघ के जो यहाँ पर प्रभारी पद थे उन पदों को छोड़ते हुए तत्काल त्याग पत्र दे दिया गया है। DG की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नहीं निकला कोई नतीजा, आंदोलन पर अटक रहे शिक्षक, और ऐलान मांगों पर जो है ठोस आदेश के बाद यहाँ पर जो है प्रभाव वापस लेंगे शिक्षकों ने यहाँ पर कहा है। और हाईकोर्ट में जो है पैरवी को लेकर टीम गठित करने की बात भी यहाँ पर करी गई है। साथ ही यहाँ पर शिक्षक ठोस कार्रवाई पर जो है आंदोलन वापस लेंगे तभी यहाँ पर बात बनेगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और इसको लेकर जो DGM के द्वारा कहा गया कि शिक्षकों के साथ सकारात्मक माहौल में जो है वार्ता हुई, और सरकार चाहती है कि शिक्षकों की जो है सभी वाजिब मांगों को पूरा किया जाए, और केवल न्यायिक वित्त और यहाँ पर कार्मिक के कुछ मानकों को जो है पूरा करने की वजह से यहाँ पर जो है देरी हो रही है, और जल्दी जो है प्रमुख मांगों पर जो है आदेश कर दिया जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक भर्ती की या कबले की जांच पर जांच। तो यहाँ पर 400 से ज़्यादा पदों की भर्ती यहाँ पर आई थी कोऑपरेटिव बैंक में, और इसमें जो है यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक भर्ती घोटाले में अब एक और नई जांच होगी। तो एक तो जांच कर ली, फिर नई जांच करने की बात की। पुरानी जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई को जो फाइल शासन पहुंची थी उसे यह कहकर जो है लौटा दिया है कि एक बार फिर पुरानी जांच समिति की रिपोर्ट का अध्ययन होगा, और इसके लिए जो है अब 3 नए सदस्य जो सदस्य जांच समिति बनाई जाएगी, और जो पुरानी रिपोर्ट का जो है अध्ययन कर बताएगी कि भर्ती हुई हुए कर्मचारी को बर्खास्त के नोटिस भेजे जाएं या नहीं। तो ये एक बड़ा मामला आने वाला है जो कि देख सकते हैं जांच के बाद अब दोबारा से जांच होने वाला है। और इसके लिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रार जो कॉपरेटिव है उनके द्वारा कहा गया कि शासन का पत्र प्राप्त हुआ है, और इस पत्र से यहाँ पर जो है क्रम में एक 3 सदस्य यहाँ पर जो है जांच समिति बनी बना दी है जो जांच रिपोर्ट की पड़ताल कर अपनी जो है रिपोर्ट देगी, और इस रिपोर्ट के मामले के बाद ही यहाँ पर तय होगा कि आगे क्या किया जाएगा, इस तरह का बताया गया है।
और शिकायत दूर नहीं करने पर जो है ऑफिसरों का वेतन रोक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में डीएम ने पुरानी शिकायतों का निस्तारण नहीं करने वाले विभागीय अफसरों के वेतन रोकने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए। इसके साथ ही शिकायतों के निस्तारण में बरती जा रही यहाँ पर ढिलाई की संबंधित जो अफसर है उसका स्पष्टीकरण तलब कर निर्देश जारी करने की बात करी गई है। निर्देशालय में 1.25 घंटे चली बैठक, मिला आश्वासन नहीं माने शिक्षक। तो शिक्षकों की जो मांग है वो अभी तक नहीं मानी गई है और हाईकोर्ट में पैरवी अब होने वाले प्रदर्शन को लेकर शिक्षा विभाग में अब हाईकोर्ट में दाखिल करेगा यहाँ भी याचिका, जो कि यहाँ पर देखते हैं पुरानी पेंसिल बहाली को जो है नए सिरे से आंदोलन करने को लेकर आंदोलनरत हैं। तो इस नई पुरानी जो पुरानी पेंसिल बहाली है उसको नए सिरे से आंदोलन करने वाले हैं यहाँ कर्मचारी। 400 शिक्षकों के अंतरमंडलीय इतवालों की तैयारी, भेजा प्रस्ताव। तो 400 मंडलों 400 जो पद हैं उन पर जो है मंडलवार जो है तबादले होने वाले हैं कुमाऊं गढ़वाल से 200 200 पद, और इसके लिए यहाँ प्रस्ताव भेज दिया गया है गढ़वाल से कुमाऊं और कुमाऊं से गढ़वाल में मंडल में तैनात यहाँ पर होने वाले हैं। और यहाँ पर की टीम को यह हार लंबे समय तक सताएगा ये। और बात करते हैं यहाँ पर खेल निदेशालय की ओर से यहाँ पर जो है भर्ती निकाली गई है। इसमें यहाँ पर देखते हैं कि खेल पदक जो खिलाड़ी होंगे उसके लिए यहाँ पर जो है खिलाड़ियों के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इसके लिए यहाँ पर अधीनस्थ उत्तराखंड राज्य के स्थानीय निवासी खिलाड़ियों के लिए आवेदन पत्र यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। 18 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो 18 दिसंबर तक जो है लास्ट डेट है, जो भी खिलाड़ी हैं पदक जीते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उन सभी के लिए यहाँ पर जो है आउट ऑफ टर्न सेवा प्रदान की जो है नौकरी पर जो है आपको रखा जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ डिफेंस यहाँ पर पोस्ट निकालेगी जोशीमठ में, और मेडिकल ऑफिसर की है पोस्ट है ड्राइवर की पोस्ट, दो पोस्ट निकाली गई। इसके लिए यहाँ 75,000 रुपये 19,700 रुपये यहाँ पर सैलरी रखा जाएगा। इसके लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 22 नवंबर तक का। साथ ही यहाँ पर देखते हैं दोस्तों गवर्नमेंट यहाँ पर जो जॉब अलर्ट जो कि यहाँ पर देखते हैं कि DSSSB में आवेदन करने के बोले गए हैं। 863 पदों की भर्ती है जिसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। स्वामी सदानंद कॉलेज दिल्ली में यहाँ पर के लिए पोस्ट निकाली गई है। MMRCL में 17 पोस्ट निकाली गई हैं। और IGIMS यहाँ पटना में 109 पोस्ट निकाली गई हैं और इसके लिए 30 नंबर लास्ट डेट है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अवसर मिले हैं सीनियर असिस्टेंट लेबोरेटरी अटेंडेंस के पद रखे गए हैं। 2 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। स्नातक 10वीं 12वीं सभी के लिए रखा गया है। SPSC यहाँ पर जो है पोस्ट निकाली 10 असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट हैं। 30 नंबर तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है अन्य पद इस तरह का रखा गया है, इसमें यहाँ पर इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड यहाँ पर जो है परामर्शदाता के पद रखे गए हैं, आवेदन कर सकते हैं 2 दिसंबर तक का। साथ ही यहाँ पर त्रिपुरा उच्च न्यायालय अगरतला यहाँ पर भी पोस्ट निकाली गई है, चालक की पोस्ट। 3 दिसंबर तक जो है इन पदों पर भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी पोस्ट यहाँ पर है कि 863 पदों के लिए DSSSB निकाले गए हैं, इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं।